माइक्रोफोन यानी माइक का आविष्कार किसने किया था, तो आइए जानते हैं। तो हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दे ताकि आपको दूसरा वीडियो जल्दी ही मिल पाएगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारे सर पर जो लगा है एक माइक्रोफोन है। एक माइक्रोफोन जिसे बोलचाल की भाषा में माइक या माइक दोनों का उच्चारण माइक कहा जाता है, एक ध्वनिक से वैद्युत ट्रांसड्यूसर एंड ट्रांसड्यूसर या संवेदक होता है जो ध्वनि को विद्युतीय संकेत में रूपांतरित करता है। 1876 में इमिली बर्लिना एंड एमिल बर्लिना ने पहले माइक्रोफोन का आविष्कार किया जिसका प्रयोग टेलीफोन स्वर ट्रांसमीटर के रूप में किया गया। माइक्रोफोनों का प्रयोग अनेक अनुप्रयोगों जैसे टेलीफोन, टेप रिकॉर्डर, कराओके प्रणालियों, श्रवण सहायता यंत्रों, चलचित्रों के निर्माण, सजीव तथा रिकॉर्ड की गई श्राव्य इंजीनियरिंग, FRS रेडियो, मेगाफोन, रेडियो और टेलीविजन प्रसारण और कंप्यूटरों में आवाज रिकॉर्ड करने, स्वर की पहचान करने, बोध तथा कुछ गैर ध्वनिक उद्देश्यों जैसे अल्ट्रासोनिक परीक्षण या दस्तक संवेदकों के रूप में किया जाता है। शॉक माउंट वाला एक न्यूमन U87 कंडेंसर माइक्रोफोन वर्तमान में प्रयोग किए जाने वाले अधिकांश माइक्रोफोन यांत्रिक कंपन से एक विद्युतीय आवेश संकेत उत्पन्न करने के लिए एक विद्युत चुंबकीय प्रवर्तन गतिज माइक्रोफोन धारिता परिवर्तन दाहिनी ओर चित्रित संघनित्र माइक्रोफोन पाइजो विद्युतीय निर्माण पीजोइलेक्ट्रिक जनरेशन या प्रकाश अधिमिश्रण का प्रयोग करते हैं। एमिल बर्लिना 20 मई 1851 3 अगस्त 1929 मूल रूप से एमिल बर्लिना एक जर्मन अमेरिकी आविष्कारक थे। उन्हें लिटल कट फ्लैट डिस्क रिकॉर्ड जिसे ब्रिटिश और अमेरिकी अंग्रेजी में ग्रामोफोन रिकॉर्ड कहा जाता है का आविष्कार करने के लिए जाना जाता है जिसका उपयोग ग्रामोफोन के साथ किया जाता है। उन्होंने 1894 में यूनाइटेड स्टेट्स ग्रामोफोन कंपनी की स्थापना की। 1897 में लंदन इंग्लैंड में ग्रामोफोन कंपनी, 1898 में हनोवर जर्मनी में डॉयचे ग्रामोफोन और 1899 में मॉन्ट्रियल में कनाडा की बर्लिना ग्रामोफोन कंपनी। 1904 में चार्टर्ड एमिल बर्लिन रेमिल बर्लिना .jpg जन्म 20 मई 1851 हनोवर साम्राज्य जर्मन परिसंघमर गए अगस्त 3 1929 उम्र 78 वाशिंगटन DC US शांत स्थान रॉक क्रीक कब्रिस्तान राष्ट्रीयता जर्मन अमेरिकी अल्मा मेटिकुपर संघ संस्थान पेश आविष्कार के लिए जाना जाता है। डिस्क रिकॉर्ड माइक्रोफोन जीवन साथी कोरा एडलर में हालांकि उन्होंने सफलता पा लिया और माइक का आविष्कार हो गया। हम जानते हैं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको दूसरा वीडियो जल्दी ही मिल पाएगा।